इम्पोर्टेंट मुद्दे को डिस्कस करना, यहाँ पे टच अपॉन करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आ रही है कि अनशेड्यूल्ड एमपीसी की बैठक जो है किन चीजों को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए, और एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट बाजार को क्या मैसेजिंग चाहिए, कैसे रीड करना चाहिए। तो ये जो एमपीसी की मीटिंग शेड्यूल की है आरबीआई ने, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं युविका सिंगल, क्वांटिको रिसर्च की इकोनॉमिस्ट। युविका, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। ये खबर आपने कैसे एनालाइज की युविका, और बाजार को क्या सिग्नल जाएगा? गुड मॉर्निंग। देखिए, जो गवर्नमेंट जो आरबीआई ने कल प्रेस रिलीज निकाला, ये जो एडिशनल बैठक का, उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 45ZN ऑफ आरबीआई एक्ट के तहत उनको ये मीटिंग बुलानी पड़ी है। अब देखा जाए तो सेक्शन 45ZN क्या है? 45ZN जो आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर एक प्रोविजन है जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम से रिलेटेड है, बेसिकली फेलियर ऑफ दैट इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम। देखा जाए जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं, हम सबको पता है पिछले 3 क्वार्टर 9 महीने से इन्फ्लेशन जो इकोनॉमी में देखा गया है वो आरबीआई का जो इन्फ्लेशन टारगेट बैंड है जो 4% प्लस माइनस 2%, मतलब 2 और 6% के बीच का जो इन्फ्लेशन टारगेट बैंड है, इन्फ्लेशन उससे ऊपर रहा है फॉर 3 लगातार 3 क्वार्टर से। लास्ट ईयर, लास्ट फिस्कल ईयर Q4 इन्फ्लेशन का एवरेज था 6.3%, और इस फिस्कल ईयर के पहले 2 क्वार्टर्स का इन्फ्लेशन एवरेज रहा है 7.3% और 7%। तो 3 क्वार्टर्स इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा रहा है। अब ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम की जो आरबीआई एक्ट है उसके तहत अगर इन्फ्लेशन 3 महीने से 3 क्वार्टर से ज्यादा ऊपर रहता है 6% से, तो आरबीआई को एक एक्सप्लेनेशन देना है गवर्नमेंट को कि क्यों इन्फ्लेशन ऊपर रहा, उसके रीजन, दैट इज सेकंड, कि अब क्या करना चाहिए, कि क्या एक्शन, रिमीडियल एक्शन आरबीआई लेगा क्योंकि इन्फ्लेशन ऊपर रहा फॉर 3 लगातार क्वार्टर। और एक उनको टाइम पीरियड भी एस्टिमेट करके बताना है कि कब तक इन्फ्लेशन वापस उस इन्फ्लेशन बैंड में आ जाएगा। तो इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए एमपीसी अपना रिप्लाई देगी गवर्नमेंट को, एंड यही ज्यादातर अनुमान लगाया जा रहा है जो एडिशनल बैठक बुलाई गई है उसमें मेन पर्पस यही होगा कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का फेलियर देखा गया उसको गवर्नमेंट को जो इन्फ्लेशन रिपोर्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा, रिमीडियल एक्शन बताए जाएंगे, और साथ ही साथ एक टाइमलाइन दिया जाएगा जो आई थिंक आरबीआई ने अपनी एमपीसी पॉलिसी में भी बहुत क्लियरली दिया है कि जो ग्लाइड पाथ ऑफ इन्फ्लेशन, वो बोलते हैं कि धीरे धीरे वो इन्फ्लेशन वापस आ जाएगी इन द बिलो 6% विद इन द इन्फ्लेशन टारगेटिंग बैंड समवेयर अराउंड द लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस फिस्कल ईयर। तो आरबीआई के अनुसार जो उन्होंने इन्फ्लेशन के आंकड़े दिए हैं Q3 उनके मुताबिक 6.5%, तो अभी भी वो एक क्वार्टर के लिए और इन्फ्लेशन ऊपर रहेगा ऑन एन एवरेज, बट Q4 का जो आंकड़ा है वो 5.8% है। तो मतलब एक क्वार्टर के और बाद लास्ट क्वार्टर जनवरी टू मार्च ऑफ दिस फिस्कल ईयर आरबीआई देखता है इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा इन बिलो 6%। युविका, बेसिकली मैं ये समझ रहा हूँ कि एक एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, एक प्रोसीजरल बैठक है, इसमें क्या कोई सडन रेट हाइक की तो अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है या कोई संकेत नहीं है बाजार को, वो तो नहीं समझना चाहिए? दूसरा, बाजार क्या मान के चल रहा है, क्योंकि वो 6 महीने 8 महीने आगे देखता है, वो डिस्काउंटिंग मशीन होता है फ्यूचर का, कि ट्रेजेक्टरी टॉप आउट हो जाएगा, इन्फ्लेशन नीचे की तरफ जाएगा मिड नेक्स्ट ईयर तक? आपके पहले सवाल को आंसर करने के लिए, एटलीस्ट जो गवर्नमेंट जो आरबीआई ने कल प्रेस रिलीज किया है उसमें तो उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि वो प्रोविजन 45ZN के तहत ही ये मीटिंग बुला रहे हैं। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई रेट चेंज या रेट हाइक की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी हमने एक महीने पहले ही आरबीआई की पॉलिसी देखी एंड सितंबर, अब नेक्स्ट पॉलिसी है अर्ली दिसंबर, अराउंड 5th-7th December, और इस दौरान ऐसा कुछ बहुत नया नहीं हुआ या बहुत सडन नहीं हुआ कि आरबीआई को एक इंटरमीटिंग रेट हाइक या कुछ डिफरेंट अनाउंस करने का मौका हुआ हो। तो मुझे नहीं लगता इसको उस एंगल से देखना चाहिए। जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, यस, हमको भी लगता है कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे अब नीचे आएगा। Q3 और Q4 में इसका जो इन्फ्लेशन की मॉडरेशन है वो दिखेगी। Q4 में बाय मे बी बाय एंड दिसंबर अर्ली जैन इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा है
वो 6% से कम डेफिनेटली आता हुआ दिखता है। Q3 थोड़ा सा इन्फ्लेशन हमें लगता है फूड इन्फ्लेशन पे थोड़ी सी नजर बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ऑफ लेट हमने फूड प्राइस प्रेशर देखे हैं इकोनॉमी में। पहले वीट था, अब राइस पे भी स्पिल ओवर हो रहा है प्राइस प्रेशर्स का, जो Q3 में थोड़ा हो सकता है लिंगर ऑन करें, लार्जली बिकॉज फेस्टिव सीजन डिमांड भी आ गई है। थोड़ा सा खारिफ हार्वेस्ट भी अब अक्टूबर में आएगा मार्केट में, तो थोड़ा हो सकता है फूड प्राइस प्रेशर्स अक्टूबर नवंबर तक रहें, पर उसके बाद जैसे फूड प्राइस प्रेशर्स ईज हो जाएंगे, थोड़े मॉडरेशन पे जाएंगे, ये हमको बेनिफिट हेडलाइन इन्फ्लेशन पे भी दिखेगा। एंड नॉट टू फॉरगेट ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर रहते हैं इन दैट $90 to $100 अ बैरल, दैट इज ऑल्सो समवेयर अ पॉजिटिव फॉर इंडियाज इन्फ्लेशन स्टोरी। राइट, ठीक है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया युविका जब ये सारे टेक हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए। तो नजर रहेगी इस एमपीसी की बैठक पर, बहुत हद तक लग रहा है कि एक प्रोसीजरल मीटिंग होगी, लेकिन देखना होगा, वॉच आउट करना होगा कि क्या कुछ क्यों